अरे तुम दोनों को श्रीशर मिली आज। बहुत सारी चीजें ना पुरानी डायरीज देखते वक्त है ना याद आ रही थी। और कुछ चीजें होती है ना ऐसी कि आपको पिन कर जाती है आपके दिलो दिमाग में। तो आर्ट स्कूल में पढ़ने की वजह से ना कुछ कुछ चीजें है ना सही में डेली रूटीन में कुछ कुछ चीजें आती है जब आपके, तो आपकी चीजें बहुत सही होती है। तो मैं और मिली आर्ट स्कूल में पढ़े हैं, तो दोनों के लाइफ में ये ज़्यादा आया कि आपको डेली स्केचिंग करना ये बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट था। और वही सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में चलती रही, इसलिए हमको उस चीज़ों की धीरे धीरे ये भी पता चली कि अरे यार ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले तो गुस्सा आता था कि हाँ इतने हाँ स्केचिंग करना या राइट रोज, या हमारे सर बोलते थे कि अरे ये इतना क्यों करना है आपको। तो पर मुझे पता चला जब मैंने उसके ऊपर सर लोगों से बातें की कि आप क्यों रोज हमको इतने स्केचिंग करने के लिए बोलते हो, या ऐसे तो डेली 100 150 500 स्केचिंग करना या बहुत ये होता था। तो तब तो पता चला कि जितनी भी आज तक की हमने हिस्ट्री पढ़ी है या बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट लोगों के बारे में जब सुना है हमने, वो सारे उन्होंने लिख कर रखी हुई चीज़ों की वजह से हम जान पाए। सही जैसे लियोनार्डो विंची ने उल्टा सीधा वर्ड्स को लिखकर भी उन्होंने अपनी सारी चीजें रखी है। बाद में पता चले कि यार कितने इन्वेंशन और कितने सारी चीजें पर हमको क्यों समझ पाए, क्योंकि वो जो कुछ लिख रहे थे उसके साथ वो ड्राइंग भी कर रहे थे। तो एकदम लेमैन से लेकर तो बड़े आर्टिस्ट तक सारे लोगों को समझाते वक्त हमारे पास एक होता है कि आप मराठी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, एक लैंग्वेज होती है, पर ड्राइंग और ये स्केचिंग करना ये भी एक लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज को लेकर काम करना चाहिए हम सब ने, तो ही हम ज्यादा तौर पर अपनी बातें उतनी जल्दी से, जैसे होता है ना कि मुझे पानी चाहिए, ऐसे अगर मैं मराठी में बताऊं कि माला पानी हवा है, पर समोरचा सामने वाला आदमी को नहीं आते होंगे, तो आप सिर्फ एक्शन करके एक्शन बता रहे करके हो। बता सकते हैं। बस ये एक्शन ही स्केचिंग मुझे लगती है। आपको क्या लगता है दोनों को, आप बोलिए ना थोड़ी सी चीजें। अभी ये बात फाइन आर्ट्स कॉलेज से अगर शुरू हुई है तो हमको भी याद आ रहा है कि आपको साल भर में कम से कम 500 स्केच आपको सबमिट करने होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रोज कम से कम कोशिश करते थे कि 100 50 तो स्केचिंग हो जाए। अभी 100 की बार्गेनिंग करके हम लोग 50 तक ले आते थे, पर वो कॉलेज का पूरा टाइम करने के बाद स्टेशन पे जाना, पैदल जाना, ये बड़ा सा बोर्ड हाथ में लेके, बैग कंधे पे लेके, और ऐसी गंदी गंदी जगह पे बैठना, क्योंकि हमको लोगों के फीचर्स को देखना था, हमको उनकी आउटलाइंस को देखना था। तो वो प्रैक्टिस स्टार्टिंग में तो बहुत भारी लगती थी कि बाप रे इतना देर काम करने के बाद अभी एक नया ही काम हो रहा है। तो घर पहुंचते पहुंचते 6 7 बज जाते थे। उसके बाद फिर से आपका, क्योंकि काम तो होना ही है, तो आपका ब्रेन वर्क कर रहा है कंपोजिशंस के साथ, थॉट्स के साथ, बट वो जो दिन का एक्सरसाइज होता था वो अब समझ में आता है कि वो जो हम लोग 2 3 घंटे अपना हाथ चलाते रहते थे किसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए, उसमें हमारे हाथ को कहाँ से कैसे, जैसे किसी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें तोल तोल के चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, तो वो इजीली आप अपने अंदर समा लेते हैं। आपको लोगों को आंखों से देखना आता है, जैसे कि हर चीज को एकदम प्रॉपर करने के बजाय आपकी आंखें रीड कर लेती हैं और आप फटाफट ड्रॉ कर सकते हाँ, हैं। नहीं अपन ऐसे तो बोल ये सकते हैं कि एक क्विक भाषा लैंग्वेज है फट से उतारने की जो आपके दिमाग में आ रही है। इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हो जाता है कि स्केचिंग बिकम्स वेरी इजी विद जस्ट अ पेंसिल एंड पेपर। मैं जहां पर भी हूँ, आई डोंट हैव टू ओपन माय लैपटॉप, आई डोंट हैव टू ओपन मेनी इक्विपमेंट और समथिंग। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, अभी हमारे पास इतनी वैरायटी की पेंसिल्स हैं, इतनी वैरायटी के कलर्स हैं, हमको तब भी ऐसा नहीं लगता था और अब भी ऐसा नहीं लग सकता। इफ आई हैव ओनली 1/6B पेंसिल, आई कैन मैनेज ऑल काइंड ऑफ स्केचिंग, हैचिंग। अब ये स्केचिंग का जो ये था, उसके बाद हर कोई जब अपने तरीके से करता है तो एक नया स्टाइल भी उसमें डेवलप होने लगता है। Yes. अब आप उसमें अलग टाइप से हैचिंग है, लाइट एंड शेड का एक्सपेरिमेंट है। जब आपको एक बार स्केचिंग की हैबिट लग जाती है, फिर आप उसमें ही बहुत सारा डिटेल करना सीख जाते हैं, जो आपके काम में डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। तो देखो, जैसे मेरा बैकग्राउंड थोड़ा टेक्निकल था। yes. पहले तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, सो अनफॉर्चुनेटली मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एकेडमिक्स में ज़्यादा स्केचिंग पे नहीं था।
ऑटोकैड के ड्राइंग्स होते थे और इट वाज अ वेरी टेक्निकल ड्राइंग, ड्राफ्टिंग होता था उसमें, काफ़ी कुछ ड्राफ्टिंग सीखा. जब मैं आईडीसी में गया, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, दैट टाइम आई रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्केचिंग इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. यू नो, तो स्केचिंग बिकेम मोड ऑफ माय कम्युनिकेशन एंड मोस्ट ऑफ टाइम माय स्केचिंग रिमेन प्रीटी मच फंक्शनल. Yes. You know, it was not a piece of art, yes, but it was purely to communicate my work or my ideas or something. And many times it became a documentation. हाँ, अगर मैंने एक चीज बनाई है, है ना, और दो महीने के बाद किसी ने मुझे पूछा कि मुझे वही चीज बनाने की है, तो मेरी जो स्केचिंग है उसमें स्केचिंग के साथ साथ काफी टेक्स्ट रहती थी. काफी कुछ लिखा है, किसी एरिया को मैंने सर्कल करके वहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाला है, उसके डायमेंशंस लिखे हुए हैं. सो उसमें डायमेंशंस है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें ज्योमेट्री है, और स्केचिंग है, एस्थेटिक्स भी है, फंक्शनल पार्ट भी है. सही बात है, सही बात है. जैसे आप एक इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से जा रहे हैं और आप प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वैसे आर्किटेक्चर का अगर स्टूडेंट या आर्किटेक्ट अगर ड्राइंग कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं. अब जैसे आपने बोला कि आपके स्केचिंग के बगल में बहुत सारे फंक्शनल, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आप वो आपका वो कोड लैंग्वेज है जो कि आपको कभी भी अगर आपने खोला तो वो सारी उस समय की जो थॉट प्रोसेस थी वो आप देख के समझ सकते हैं कि ये स्केचिंग करते समय क्या था. और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर है, होने वाली है, तो आप उसका कैलकुलेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं. तो वैसे ही आर्टिस्ट के साथ भी होता है कि ये स्केचिंग तो ठीक है, अगर आप कभी कंपोजिशन कर रहे हैं, कोई और आर्ट वर्क पे अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने ड्राइंग के अंदर अपने कोड वर्ड से और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं जो कि आप ही समझते हैं. और जिसको आर्ट अप्रिशिएशन समझ में आती है वो उसको समझने की कोशिश कर सकता है. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बात है. पर मुझे ना ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के ही काम आता है, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी राइटर्स है, जितने भी अलग अलग खोज करता है या जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो सारे लोगों ने था ऐसी छोटी छोटी अपनी पूरी डायरीज बनाई है और वो डायरीज मेंटेन करते आए, इसलिए अपने को पुरानी चीजें और कब कहाँ पे वो अड़े, उसके आगे कैसे उसको लेके जाए. तो सेकंड जो भी आता है उसका कोई वैसा फॉलोवर या उसके जैसा काम करने वाला, वो उसकी वो जर्नी को पढ़ पाता है. जब आपको किसी हिस्टोरिकल की या किसी साइंटिस्ट की वो जर्नी पता होती है, तो आप इतनी बारिश नहीं देख रहे हो, आप उसके आगे के उसको लेके जा रहे हो. तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए या ये, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट. सब कभी क्या होता है, नॉट नेसेसरी कि हिस्ट्री ने सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, एंड बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, एंड देन पर्सनल डायरीज केम इन हैंडी टू नो दैट पर्सन्स हिस्ट्री. यू नो, अपना फॉर एग्जाम्पल वैन गॉग, यू नो वी ऑल सीन वैन गॉग्स कवर, बट द स्टोरी ऑफ वैन गॉग इज ओनली नोन from the letters he wrote to his brother. Yes. You know, and he wrote the letters almost every week, I think, and काफी उसने पूरे life. अरे पूरे उसके letter की वजह से उसकी mentally क्या सबकी सोच state of ये और उसका उस वक्त पे उस काम के ऊपर क्या सोचने की अलग अलग उसके ये थे और उसकी सिचुएशन हर चीज के. एंड इफ यू रिलेट दैट टाइम दैट पेंटिंग टू द लेटर, यू गेट द फुल स्टोरी. बिल्कुल. यू नो, सिंस टुडेज डे वी हैव अ गुड स्टोरीज ऑफ वैन गॉग इज बिकॉज ही मेंटेन्ड हिज लेटर्स. यू नो, तो आवर स्केच बुक्स आर नॉट मेयरली जस्ट अ प्रैक्टिसिंग स्केच बुक्स. नहीं, यू नो, दे रिफ्लेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, दे रिफ्लेक्ट आवर लाइफस्टाइल. बहुत सारों के घर पे होता है ना कि आप अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ लिख के रखते हो डायरी में, और पापा मम्मी पढ़ते अच्छा तो ऐसे भी सोचते हैं, तो ऐसे भी बहुत गड़बड़ होती है. पर ये बहुत अच्छा होता है कि उन पेरेंट्स को भी पता चलता है कि आपका लड़का, आपकी लड़की किस स्टेज पे से गए, क्या व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट दे आर गोइंग. तो ये बहुत अच्छा है कि साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीजें कैसे अगर वो सही कर पाए, ये भी समझने के लिए उनके लिए अपनी डायरीज बहुत काम आती है. And you know, diary becomes your friend. Like for me, I write my things because I know it's my diary. It's my thought I'm putting into something for myself. You know, so diary becomes a place where you can write and you can maintain things. So it doesn't mean your sketchbook is merely just for sketching. You know, it's for the notes, it's for the stories, it's for the things which you collect. I've seen many places where diary, in diary I got some feather or something, I put it in there and I stored it. Cool. And over a period of time, you know, so we have this, this kind of thing. So then it becomes a great memories of what been we have been going through. हाँ, यानी मुझे ऐसी बहुत बार फील होता है कि आपका दिमाग जो सोचता है वो आपके हाथ में सुनना चाहिए.
Yes. क्या होता है हमारा दिमाग और अपना हाथ ही अपने तक ही सीमित होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो अपना हाथ सुन रहे हैं पर ये क्या बोलते हैं ब्रश ये पेपर या जो भी आपके पास मीडियम होता है वो आपकी बातें सुनने के लिए उसको अपनी बातें शेयर करनी पड़ती है तो ये शेयरिंग बहुत ये होता है कि आपका दिमाग और हाथ एक साथ चले और वो अलग अलग मीडियम को उतना बता सके yes. तो आपकी जो भी चीजें है वो आपकी वहाँ पे क्यों उतरती क्योंकि आप उसको बहुत ही प्योरली बता सकते हो तो स्केचिंग ये कैसा होता है स्केच करना फटाक से आप कर डालते हो और उसके बाद आप उसके ऊपर सोच सकते हो तो आप उसके आगे लेके जा सकते हो उसको पीछे yes. लेके जा सकते हो उसको रफ कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रॉइंग नहीं किया जाता आप सडनली दिमाग में आने वाली स्पॉन्टेनिटी जो रहती है अपनी खुद की बहुत ही फट से आप पेपर पे उतार देते हो आपका पेपर पे उतारना ही है डिजाइनर और आर्टिस्ट और जितने भी साइंटिस्ट लोगों का काम है कि वो तब की सोच को बस उतार डाले तो अपने स्केचिंग और डायरी इसीलिए होती है कि आपके दिमाग में तब क्या चल रहा है जैसे मिली ने बोला कि हम घंटों घंटे कोई स्टेशन पे या बस स्टॉप पे जाके हम स्केचिंग करते थे हमको यही होता था कि उस मोमेंट वो कितने हिलते थे yes. और आप कहीं पे भी बाहर जाते हो और आप बैठे हो तो आपके आजू बाजू इतने सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं आपको प्रेशर होता है जैसे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते वक्त पूरा स्टेडियम सोचता है 99 पे कि अब क्या होगा वैसे ही आपका भी वैसे होता है कि आप कहीं पे भी जाके आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है तो आपका स्केचिंग ही आपका बहुत बड़ा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है कि आप अगर रोज काम करते हो तो आपका हाथ सुनने लगता है तो आप कैसे बॉल खेलते हो और आप कैसे उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो ये बहुत जरूरी होता है तो आप जाकर देखें गुफाओं में जो उनको लाइंस मिलते हैं जो लोग उस समय जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे थे उन्होंने जो कुछ भी उस समय बनाया था उस चीज से हम उस सभ्यता के बारे में भी पता लगाते हैं कि वो कितनी डेवलप थी इसलिए डायरी या स्केचिंग जिसका भी जिसकी भी वो बुक होती है उसको अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए उसका कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए उसको जो लगता है जिस भी पर्सन की वो डायरी है वो ड्रॉ करके उस पर काम करे कुछ चिपका के काम करे कोई चीज़ की कुछ को लिख के काम करे कैसे भी काम करे वो उसका पर्सनल होता है उसके लिए उसको किसी के इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए और प्रैक्टिस से आपकी पेंसिल और प्रैक्टिस से आपकी पत्तियां आप जैसा चाहें वैसा बोल सकती हैं तो ये लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो डायरी आपको जिस तरह जब जैसा वो आपका एक पर्सनल दोस्त होता है जिसमें आप जो चाहें उससे कह सकते हैं बदले में वो आपसे कभी सवाल नहीं करता और आप जो चाहें वो कर सकते हैं और आई थिंक मैम diaries and the sketching becomes universal yes it's not very much it's like I don't need to know certain language to know their sketching you know sketching can be very universal because it's not necessary for them to know Hindi or Marathi to understand my sketching you know it's not sometimes it's not just a text but it's a line so it's me jo kuch hua I had seen some work from my Japanese friend usne kafi kuch Japanese mein likha bhi tha आजू बाजू में बट स्टिल आई अंडरस्टूड कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है क्या हो रहा है बिल्कुल एक्सप्रेशन का वो लैंग्वेज है जो कि बहुत यूनिवर्सल है आप हम लोग आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक हम लोग थिएटर जाके एक प्ले भी देखे थे बहुत ही खूबसूरत सा प्ले था जापानीज था या रशियन प्ले था जिसकी लैंग्वेज हम लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आई थी पर उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे थे वो हम लोग हर चीज़ हम लोग उसको समझ पाए क्योंकि एक्सप्रेशन की एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वेरी इंटरेस्टिंग तो क्या है फॉर मी इट्स लाइक व्हेन यू प्रैक्टिस स्केचिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी यू नेवर बिकम अ मास्टर नो यू हैव टू स्केच ऑल योर लाइफ यस एंड एवरी टाइम यू आर स्केचिंग यू आर इम्प्रूविंग एंड फॉर स्केचिंग यू आर मेनी मीडियम्स You know, you can use watercolors, you can use inking, you can be rotary paints, you can be high quality inks, or it can be just a charcoal. बहुत कुछ हो सकता है sketching के mediums, बहुत कुछ हो सकता है. So you can keep learning. So this was something which never ends. It keeps going. And throughout your life, you can try different mediums, try different styles of sketching.
एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स. सो इतना कुछ ओपन वास्ट एरिया है स्केचिंग का एंड इट रियल कनेक्ट्स यू बिकॉज यू आर डूइंग इट विद योर हैंड्स एंड इट गोज बियॉन्ड. समटाइम्स आई थिंक स्केचिंग वोंट बी रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न डिजिटल इक्विपमेंट्स. You know, your hand sketching is going to remain because that's where we directly connect from our mind to our fingers and we put it into sketches. मुझे एक एक दोस्त से बात हुई थी बीच में और मेरे को बहुत मजा आई थी उसे बात करते हुए कि पता है तनु कॉलेज में सर डांटते थे स्केचिंग करने के लिए. उसका फायदा पता चला. बोला कैसे? तो बोले मैं मतलब पर एक बात तो बता तू करता क्या है. तो उसने बोला कि अरे मैं ना वो अपने पीछे में कॉलेज के पीछे में जो CID का ये है ब्रांच उसमें लग गया था कि पापा पुलिस में थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं उसी में काम करूँ. तो एज अ वो ड्राइंग करने वाला एक CID का वो आदमी बन गया है. और वो उसको है ना सामने जितने भी लोग आते हैं किसी को देखे हुए और जिसके फोटो नहीं रहती है वो अपने सोच से आप उसको बताते रहते और पूरे टाइम वो नाक ऐसा नहीं ना आँख ऐसी नहीं ऐसे ऐसे होता है वैसे वैसे होता है. वो हजार बार वो ड्रॉ करता है. उसका स्केचिंग इतना ज्यादा सही हो गया उसके वजह से कि वो खींचता है जब कोई बोलता है कि ऐसा ऐसा नाक था उसकी आंखें ऐसी थी थोड़ा सा ऐसा था वैसा था ब्लैक थी था वो उसका तील था यहाँ पे. तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन जो बोलते हैं जिसको हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ता है तो हमारे उस वजह से ही बढ़ता है कि आप रोजमर्रा की चीजों को कैसे देखते हो ये आपके खुद के ऑब्जर्वेशन से ही धीरे धीरे बढ़ता है. और अगर वो स्केचिंग की क्वालिटी या स्केचिंग में हम वो उतार पाए तो हम वो कितने सारी चीजें कर सकते हैं. वो CID लोग ऐसे थोड़ी है कि वो क्या भगवान जैसे कि जो बोल दिया आपने और पिक्चर निकालने पर वो इतना ऑब्जर्वेशन करते हैं इसलिए वो जो सामने वाला आदमी बताता है वो स्केच कर पाते हैं. True, it takes a lot to sketch. See, the thing is that, as I said, ki sketching is essential part of our life. But to take it one step further, jaisa aapne abhi CID ki story batai ki wo itna sketching karta hai and he has to bring that to a realistic way so people can recognize. So this is like tuning our eyes. Jaise musicians hote hai, riyaz karte hai roj. Kyun musician riyaz karte hai 8-8 ghanta? कहाँ गलत है कहाँ नहीं है उसका दिमाग एनालाइज करने लगता है कि वो खुद को ही जज कर सकता है और वो कितना भी परफॉर्म कर ले लोग तारीफ कर ले पर उससे अगर हल्की सी भी गलती हुई होती तो वो अपने आप को माफ नहीं करता है. करेक्ट. वो सब सुनता रहता है पर आपको सेल्फ जजमेंट करना आता है. Yes. और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को जजमेंट करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम ठीक होता है. और ये जो एग्जांपल था कि CID ऑफिसर्स जब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं और आप इमेजिनेशन से ड्राइंग करके उसको साकार कर पाते हैं तो और भी टफ जॉब होता है. स्केचिंग का एकदम हाई लेवल की बात हो गई कि आप जिसको नहीं देखे हैं उसको आपको स्केच करके सामने लाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को ढूंढा जाता है. तो यहाँ पर एक पुराने पौराणिक बात याद आ रही है हमको कि एक बार रामायण में ये शायद जिक्र है कि नारद जी आते हैं और सीता जी के सामने वर्णन करते हैं श्री राम का कि श्री राम ऐसे थे. और वहाँ पे अब जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण आप उसके पीछे जाए तो हमारे आर्ट को अभी जैसे 64 कलाएं हैं हमारे जितनी भी कलाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा स्थान हमारे यहाँ कलाओं को दिया गया है. एग्जैक्ट नंबर ऑफ कला तो अभी हम नहीं बताते पर हमको पता है कि 64-64 कलाएं सबसे ज्यादा है. बाकी चीज को हमारी संस्कृति में प्रायोरिटी कम दिया गया है. फिलहाल हम इनको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं उन सब चीजों को ज्यादा दे रहे हैं इसलिए परेशान है. तो उस समय नारद जी वर्णन करते हैं और सीता जी उस वर्णन को सुन के एक पोर्ट्रेट करती है जो कि साक्षात राम दिखते हैं. तो हम वहाँ पे उतने डेवलप थे और आज हम यहाँ पे CID में अगर हम ये प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो ये भी एक पॉइंट था. और देखो ना ये रहे अपनी बातों में ही अपने को बहुत सारी नई नई चीजें पता चले कि अरे ये भी वो था और ऐसे था करके. इट्स इंपॉर्टेंट मैसेज टू एवरीवन कि स्केचिंग इज नॉट जस्ट डूडलिंग इज नॉट जस्ट सिटिंग अराउंड एंड जस्ट डूइंग समथिंग. वी हैव नो चॉइस बिकॉज यू नो by profession we are creative people in a very different ways. We will be creating things. Being architect you're going to create the bridges, you're going to solve the problems. Being a fashion designer you're going to create clothing. So we are creators, and when we are creators it's very essential
to have that skill. बिल्कुल. And उसके लिए जैसा musician रियाज करता है वैसा हम सबको sketching का रियाज करना जरूरी है. इसके बाद से एक बात आई थी, मैं अभी एक book पढ़ रहा था ऑगस्टिन रोडेन की, रोजा की, और उसमें मेरे को एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन एक आदमी ने पूछा उसको कि आप इतने ज्यादा स्कल्पचर स्टोन में काम करते हो तो आप थकते हो जब? तो उसने बोला कि जब आपका खुद का प्यारा कुछ काम होता है जो भी खुद से मन से करते हो उसमें थकान नहीं होती, पर हाँ मेरी बॉडी जब मुझे बोलती है कि मैं थक गया हूँ तब मेरे पास एक बहुत बड़ा वेपन है वो यूज करता हूँ. तो एकदम उसने बोला कि क्या, तो उसने बताया कि मैं बस न्यूड स्केचेस करते रहता हूँ और वाटर कलर से खेलता हूँ. तो जब मैं वाटर कलर से मैं स्केच करता हूँ कोई भी चीज़ का तब मेरे में पूरी जो थकान होती है वो स्केच में निकल जाती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो रोदिन ने उस वक्त पे बोला था कि इतने बड़े स्कल्पचर जो वो करते थे और उनका स्केचिंग भी बहुत बार स्टोन में होता था कि वो काम करके छोड़ रहे हैं कुछ कहीं पे अधूरा छोड़े, तो अधूरा छोड़ते नहीं थे, उनको लगता था कि यहीं तक वो कंप्लीट है. Beautiful. तो आपका स्केच ये आप जहाँ पर पेंसिल उठा लेते हो वो आपका कंप्लीट ही चलता है. Yes. अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना करें इसमें और डिटेल करना चाहिए क्या वगैरह. बस आपकी सोच को आपके दिमाग को उस क्या बोलते हैं जो भी सरफेस है उस पर उतर जाना चाहिए. बस वो क्विक जो भी उस वक्त का जो ये होता है उसी को स्केचिंग बोलते हैं. और हम अगर बड़ा काम कर रहे हैं उसका रेशियो बड़ा है स्कल्पचर या पेंटिंग में तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, पर हमारी प्लानिंग और हमारा विचार स्केचिंग में फटाफट उतर जाता है. तो उससे भी एक उसके लिए भी स्केचिंग एक बहुत अच्छा जरिया होता है. अभी हम बात कर रहे थे 64 कलाओं की, तो जैसा कि हम लोगों के यहाँ है वापस हम एक अलग ही बात बोल रहे हैं कि 32 सब्जेक्ट और 64 कलाएं यानी 96 सब्जेक्ट हमारे पुरानों में बताया गया है कि जिसमें हम पाकशास्त्र है, फिलोसफी है, हिंदी इंग्लिश मैथ लैंग्वेज ये वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब इंक्लूडेड करके हमारे पास 32 सब्जेक्ट और 64 कलाएं हैं. तो टोटल हमारे पास 96 सब्जेक्ट है जिसमें 64 कलाएं हैं और उसका आधा हमारा विषय आता है जो कि हमको उसके सपोर्ट के लिए अच्छा है. अभी हमारा उल्टा हो रहा है, जो सपोर्टिव चीज़ है हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आर्ट को नहीं दे रहे हैं. तो स्केचिंग तो बहुत माहौल चीज़ है भाई, करना ही चाहिए. तो ऐसे मूवी में भी होता है ऐसे कि आपके हीरो को अगर आपको बहुत ही हाईलाइट करना है आगे जाके, हीरो बहुत माहौल है ऐसे, तो उसके जो भी गड़बड़ वाली स्थिति में उसका साइड हीरो बहुत काम आता है. तो हमारा स्केचिंग ये हमारे अच्छे काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes. कि अपना अच्छा काम करने के लिए आपको छोटे छोटे ऐसे ये करने पड़ते हैं. तो I think it's a good message today सबके लिए, हमारे खुद के लिए एज अ रिमाइंडर कि स्केचिंग एक हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए. बिल्कुल. स्केचिंग एक बहुत इसेंशियल टास्क होना चाहिए, रोज का पार्ट होना चाहिए. एंड इट्स आवर वे ऑफ लाइफ टू कीप डूइंग दिस रियाज एवरी डे. एंड आई नेवर जज स्केचिंग, आई नेवर फील कि माई स्केचिंग इज गुड और बैड. इट्स माई एक्सप्रेशन, इट्स माई वे ऑफ डूइंग इट. एंड इट गेट्स इम्प्रूव, मोर यू डू बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड यू एंड अप फॉर्मिंग योर यूनिक वे ऑफ स्केचिंग. आप सिर्फ ऐसे ऐसे कुछ तो भी कर रहे हो और उसमें से आप कुछ बना रहे हो तो चलता है. आपका रब करना ही क्या बोलते हैं, आपका इसमें ड्रॉ करते वक्त जो भी फीलिंग से करते हो आप वो फील ही बहुत इम्पोर्टेंट है. सो होपफुली जैसे आज हम तुम्हें यहाँ बैठे हैं बहुत जल्दी वी हैव अवर यंग वंस, अवर फ्रेंड्स, एंड वी हैव एवरीवन विल सी देयर स्केचबुक्स विद देम. आज सब लोग स्केचबुक बना रहे हैं. आई थिंक आज शाम तक हमें काफ़ी कुछ स्केचबुक देखने. और मुझे लगता है कि हर स्केचबुक वो जैसे कोई हम कंपनी की खरीदते कोई भी पेजेस और ये की बुक तो उसका जो फ्रंट कवर होता है वो उस कंपनी का होता है. कंपनी का होता है तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि वो कवर पेज वो अपना खुद का होना चाहिए. तो अगर हम कवर पेज भी हम खुद का बना पाए और खुद से
हाँ जैसे ऐसे किया कि मैं बस मेरी किताब खोल रहा हूँ आपके सामने, तो मैंने ऐसे पत्ती से ऐसे किया, तो आपका कवर पेज भी वो आप दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए बहुत ही मेरे से, पर्सनलाइज होना चाहिए, तो मजा आएगी। तो मजा आएगा। तो श्योर थोड़ा सा स्केचिंग करते वक्त भी ये थोड़ी श्योर। थोड़ी चीजें डेवलप करते गए अपन, तो और भी ज्यादा मजा आएगी। सो वी आर ईगर टू हियर एवरीवन स्केचिंग एक्सपीरियंसेस। यस सो थैंक यू, मजा आएगी। मजा आएगा। मेरी पेंसिल ने लिखा था एक बार कि बात तो कविता लानी पड़ेगी ना। यस यस मेरी पेंसिल ने लिखा था कि तमाम उम्र लग जाती है लोगों को समझने में, तमाम उम्र लग जाती है लोगों को समझने में, और वो कहते हैं मिजाज। तमाम उम्र लग जाती है पेंसिल को लोगों को समझने में, और वो कहते हैं मिजाज लोगों का एक पल। बाप रे।